भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर, मंडी व कुल्लू जिला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित प्रदेश भाजपा के अन्य नेता रहे मौजूद। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, दुख की इस घड़ी में केंद्र सरकार व भाजपा प्रदेश की जनता के साथ। आपदा से हुए नुकसान की भरपाई व पुनर्वास के लिए केंद्र द्वारा प्रदान की जाएगी आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के कुशला में हुई वाहन दुर्घटना में 5 लोगों के निधन पर गहरा शोक किया व्यक्त। इस वाहन दुर्घटना में 3 अन्य लोग हुए हैं घायल। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के दिए निर्देश। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिले में बाढ़ प्रभावित सांगला क्षेत्र का किया दौरा। राजस्व, लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को नुकसान की रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के दिए निर्देश। देश विदेश में प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली में आई प्राकृतिक आपदा से हुआ भारी नुकसान। शहर के बहांग क्षेत्र में बहे करीब 25 घर, अचानक आई बाढ़ के चलते अपने घर का सामान भी नहीं निकाल सके लोग। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए मतदाता सूचियों में संशोधन गतिविधियों की तैयारियां शुरू। शिमला शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजर की शिमला में हुई बैठक। पूर्व संशोधन गतिविधियां 21 जुलाई से होंगी शुरू। किन्नर कैलाश यात्रा 2023 के लिए प्रशासन ने बढ़ाई पंजीकरण तिथि। अब 20 जुलाई से होगा पंजीकरण। 1 से 15 अगस्त के बीच निर्धारित की गई यात्रा। यात्रा का आयोजन मौसम की परिस्थितियों पर करेगा निर्भर। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ ने शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से की भेंट। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 26 लाख की सहायता राशि की भेंट। प्रदेश के अनेक भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी। मौसम विभाग ने 18 जुलाई तक राज्य के अनेक भागों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी।